772 साल पुराना है कोणार्क सूर्य मंदिर। नदी में कूदकर कारीगर ने दे दी थी जान। 7 घोड़े व 12 पहियों का है रहस्य। ओडिशा में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर 772 साल पुराना है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर में प्रवेश द्वार पर पड़ती है। आइए जानते हैं इस मंदिर की पौराणिक मान्यताएं और रहस्य। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी में है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गांग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है और इसकी संरचना रथ के आकार की है। रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का व्यास करीब 3 मीटर है। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं क्योंकि ये वक्त बताने का काम करते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। 12 साल से भी ज़्यादा वक्त में बना था मंदिर नदी में कूद गया था कारीगर। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 मूर्तियां हैं जिनमें सिंह के नीचे हाथी और हाथी के नीचे मानव शरीर है। मान्यता है कि इस मंदिर में करीब 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नदी बहती थी जो विलुप्त तो हो गई है। ऐसी कहावत है कि इस मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक काम किया लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद मुख्य शिल्पकार के बेटे धर्मपदा ने निर्माण पूरा किया और मंदिर बनने के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ है। कोणार्क शब्द 2 शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अर्क का अर्थ सूर्य देव है। इस मंदिर में भगवान सूर्य रथ पर सवार हैं। यह मंदिर जगन्नाथपुरी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांप को श्राप मिलने के कारण कोढ़ रोग हो गया था, जिससे निजात पाने के लिए सांप ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 साल तक तपस्या की, जिसके बाद सूर्य देव ने उन्हें इस रोग से मुक्त किया। तब उन्होंने इस जगह पर सूर्य देव का मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया और नदी में स्नान के दौरान उन्हें सूर्य देव की एक प्रतिमा मिली। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की इस प्रतिमा को विश्वकर्मा ने बनाया था। इसी मूर्ति को सामने स्थापित किया था।